स्थिति बनाने के लिए चौथे संबंधों की अनुमति को बढ़ाते रहे, क्योंकि हम देखते हैं अभी 84 जन्म में हम बैठे हैं, 83 जन्म में पाठ हमने बजाया है, इसलिए अनेक आत्माओं के साथ हमारा पॉजिटिव तथा नेगेटिव अकाउंट है। इसलिए न चाहते हुए कभी किसी व्यक्ति के साथ व्यक्ति के तरफ लगाव जुकाव होने की संभावना होती है, लेकिन जो बाबा की हम हर रोज पालना ज्ञान और योग की लेते हैं, उस पालना के द्वारा उस हिसाब किताब को हमें पूरा करना है, खत्म करना है। साथ साथ एक स्थिति बनाने के लिए एक से ही सभी रस प्राप्त करते रहें, एक बाबा से ही सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहें, क्योंकि बाबा सर्व रसों के भंडार हैं, बाबा सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं, बाबा सर्व संबंधों के सक्रिय हैं। बाबा हमें ऑफर करते हैं कि मैं 24 घंटे आपके सेवा के लिए हाजिर हूं, तो बाबा के साथ एक सेकंड भी हमारी बुद्धि रहती है तो अनेक पद्मों की कमाई हमारी होती है। तो जास्ते से जास्ते कमाई करने के लिए जास्ते से जास्ते समय बाबा के संग में रहें, लेकिन बिंदी समझकर बिंदी बाप के साथ रहना थोड़े समय के बाद बोर अनुभव होता है। इसलिए मनुष्य का ये नेचर है, इसलिए सारे दिन भर में योगाभ्यास की रुचि बनी रहे, इसलिए बाबा के साथ सब संबंधों की अनुमति वो भी विधि पूर्वक करना है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में फरिश्ता स्वरूप में फरिश्तों की दुनिया में है, और मैं आत्मा भी अपने फरिश्ता स्वरूप में बाबा के साथ हूं, और इस रीति से बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुमति करते रहे, और साजन सजनी का संबंध अनुभव करना है तो वो परम धाम रूपी पीस पहले से करें। मैं निराकारी आत्मा सजनी हूं और बाबा सलोनी शिव बाबा मेरे साजन हैं, ऐसा बड़े प्यार से अनुभव करके बाबा से सर्व रसों की अनुभूति करें, क्योंकि बाबा सुख के सागर हैं। आखिरी जो प्राप्ति हमें होती है वो सुख के रूप में ही होती है, और बाबा सुख के सागर हैं। सुख के सागर ही हमें मिल जाते हैं तो आत्माओं से संबंधों की अनुभूति करके अल्पकाल की सुख की अनुभूति करना ये इच्छा समाप्त हो जाती है, और हम बाबा को ही अपना संसार अनुभव करने लगते हैं। संसार में रहते भी एक बाबा को अपना संसार अनुभव करते हैं। ये संसार में दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव। जो प्राप्तियां व्यक्ति वैभव से होती हैं वो प्राप्तियां हमें एक बाबा से ही करनी है, क्योंकि देखो दोनों में बहुत अंतर है। व्यक्ति वैभव के साथ बुद्धि जुट जाती है तो शक्तियां हमारी खर्च होती हैं, और बुद्धि हमारी परमात्मा के साथ जुड़ती है तो हमें शक्तियां मिलती है। इतना अंतर है, क्योंकि बाबा शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, तो उनके
जब बुद्धि हमारी जुड़ जाती है तो हमें शक्तियां मिलती है। और वर्तमान समय है आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना, शक्तियों से भरपूर करना। इसलिए कोई भी ऐसा लौकिक संबंध न हो जिसमें हमारी बुद्धि बार बार आकर्षित होती है। जैसे कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर बैठा हुआ दिखाते हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, टांग पर टांग लेटे हुए हैं, बैठे हैं, उनका नाम क्या है? मोहन। मोहन के साथ हमें अगर सतयुग में राज करना है तो मोहन जैसा ही हमें न्यारा प्यारा बनना होगा, तभी हम संस्कारों का राज करेंगे। तो सतयुग में स्थूल राज करने का सौभाग्य हमें मिलेगा।